मई को बनी थी, मई 2025 को मिस ट्रांस पाकिस्तान का टाइटल इंतखाब हुआ था मेरी वजह से, और उससे पहले मैं मिस पाकिस्तान में कम्पीट कर रही थी, काफी अरसे से मैं कम्पीट कर रही थी। और मिस पाकिस्तान जो ये टाइटल मिला है, ये आई थिंक पहली दफा ऐसा हुआ है कि इन द हिस्ट्री के यू नो एक ऐसी लड़की को मिला है जो कि यूनिकली काम कर रही है इंडस्ट्री में, यू नो। तो आप जब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन लेते हो उसमें एक कमाल का एक आपका पाकिस्तान का नाम एप्रिसिएशन है। बिल्कुल, मैं अब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बहुत जल्दी थाईलैंड में मिस इंटरनेशनल क्वीन में जा रही हूँ 2021। मैं पाकिस्तान, अब शायरा को हम क्वीन कहा करेंगे अभी भी लोग कहते हैं ओ स्ले क्वीन, गो अहेड क्वीन, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन मैं अपने आप को क्वीन नहीं मानती, मैं अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानती, मैं अपने आप को सिर्फ एक सादी आर्टिस्ट मानती हूँ। मुझे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अपने आप को आर्टिस्ट कहो, सेलिब्रिटी मत कहो। सेलिब्रिटी आपको दुनिया कहे, क्योंकि आपके वजूद से अगर वो आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं, दैट इज द बेसिक नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ अ सेलिब्रिटी, कि आपका एग्जिस्ट करना उनके लिए सेलिब्रेशन है। आपके गानों से हो, चाहे आपके काम, दैट इज द सेलिब्रेशन फ्रॉम द ऑडियंस, दैट इज द सेलिब्रिटी।